दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर, आज हम आपको बताएंगे सरकार ने लिया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका गैस सिलेंडर है तो अब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जानिए इसकी वजह क्या है। अब गैस सिलेंडर पर कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी, इसकी वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्यों नहीं मिलेगी गैस सिलेंडर पर अब सब्सिडी। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों इससे पहले वीडियो को शुरू किया जाए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों नीचे आकर आपको कमेंट में लिख देना है आपका कौन सा गैस सिलेंडर है, इंडियन है या भारत है या एचपी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सरकार ने खत्म कर दी एलपीजी में मिलने वाली सब्सिडी, जानिए क्या है इसकी वजह। दोस्तों आपने नोटिस किया है कि एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। दरअसल सरकार ने मई महीने से ही आपको मिलने वाली गैस सब्सिडी खत्म कर दी है। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के में मदद में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। गरीबों को सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की गई थी, लेकिन अब सिलेंडर पर रियायत लगभग खत्म हो गई है। हम आपको बता दें कि आखिर क्यों खत्म हो गई एलपीजी पर मिलने वाली गैस सब्सिडी, ये है सब्सिडी न मिलने की वजह। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए बताया है कि गैस सिलेंडर बाजार में यानी बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत कम हो गई है। इस बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमतों का अंतर लगभग खत्म हो गया है। ये वजह है कि सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसे और आसान तरीके से समझे। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में पिछले बार जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का मूल्य 637 रुपए था, जो अब घटकर 594 रुपए हो गया है। इसके ठीक उलट सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है, यानी 494 रुपए वाले मिलने वाले गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 594 हो गई है। कुल मिलाकर बाजार मूल्य में मिलने वाले सिलेंडर और सब्सिडी में मिलने वाले सिलेंडर की कीमत बराबर है, ऐसे में सब्सिडी देने का मतलब ही नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, बेहद कम मिल रहा है सब्सिडी। देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ मिलता है। जानकर आपको बता दें कि ज़्यादातर महानगरों में सब्सिडी लगभग खत्म हो गई है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लाभार्थियों को 20 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। ये पैसा ट्रांसफर लागत की वजह से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि 2019-20 वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने 34.095 करोड़ रुपए एलपीजी सब्सिडी के लिए अपघटित किया था। इसी तरह से वर्ष 2020-21 के लिए इस मदद में लगभग 36.25 करोड़ रुपए अपघटित किया गया है। इसी वजह से अब सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी अब सरकार गैस सिलेंडर पर कोई भी सब्सिडी नहीं देगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि गैस सिलेंडर का बाजार मूल्य यानी बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत कम हो रही है। इस बीच सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है, ऐसे में दोनों सिलेंडर को बीच कीमतों का अंतर लगभग खत्म हो गया है। इसी वजह से सरकार ने अब सिलेंडर पर सब्सिडी देना बंद कर दिया है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सा भी गैस सिलेंडर है तो आपको अब कोई भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।